आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानते हैं कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ मध्यकालीन भारत में वो कन्नौज पर सत्ता हासिल करने के लिए हुआ। कन्नौज वॉज द प्लेस फॉर विच दिस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल टुक प्लेस। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में जो तीन पक्ष इन्वॉल्व थे वो थे ईस्टर्न भारत पर राज करने वाले पाल वंश के राजा, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर राज करने वाले गुर्जर प्रतिहार और सेंट्रल और सदर्न इंडिया पर राज करने वाले राष्ट्रकूट। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में ये संघर्ष होता है। कन्नौज की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है। वो एक ऐसे स्थान पर कन्नौज की पोजीशन थी कि जहाँ पे नेचुरल बाउंड्रीज के कारण ही कन्नौज पे कोई अटैक नहीं कर सकता था, उसका एक नेचुरल फोर्टिफिकेशन ही हो रखा था। इसके अलावा कन्नौज की जो धरती थी वो काफी ज्यादा फर्टाइल थी और काफी ज्यादा मिनरल रिच थी। तो जिसने अगर कन्नौज पे सत्ता हासिल कर ली, आधिपत्य स्थापित कर लिया, तो उसकी इकोनॉमी, ट्रेड तो साउंड होनी ही होनी थी। इसका पूरा इकोनॉमी और ट्रेड का जो बेनिफिट है वो उस राजा की स्टैंडिंग आर्मी को जाना था। जो उस राजा की स्टैंडिंग आर्मी है अगर वो स्ट्रांग होगी तो वो राजा और ज्यादा दूर दराज तक अपना राज जो है फैलाने में सक्षम होता। इसीलिए कन्नौज का जो एरिया है वहां पे सब अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। इसके अलावा कन्नौज का जो एरिया है वो आप देखेंगे पाटलिपुत्र की तरह नहीं, बल्कि कन्नौज का जो एरिया है, पाटलिपुत्र थोड़ा नीचे की तरफ आता है और कन्नौज की जो पोजीशन है वहां पे आप देखेंगे कि अगर किसी ने वहां पे अपना राज कायम कर लिया तो वो वहां से ईस्टर्न इंडिया को भी देख सकता है, वहां से वेस्टर्न इंडिया को भी देख सकता है, नॉर्थ भी देख सकता है और साउथ भी देख सकता है। तो चारों दिशाओं में वो राजा अपना वर्चस्व कायम कर सकता है, इफ नॉट वर्चस्व तो अपनी एक नजर रख सकता है कि कोई बाहरी आक्रमण तो नहीं हो रहा है। इसी कन्नौज को पाने के लिए ये संघर्ष हमें देखने को मिलता है 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का समय है। 2 शताब्दी लगभग ये संघर्ष चलता है और इसमें तीनों वंशों में से जो विजयी हैं वो रहे गुर्जर प्रतिहार, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर रूल कर रहे थे। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इस स्ट्रगल के बारे में। ये देखिए आप रीजन, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो येलो से शेडेड है ये गुर्जर प्रतिहारास का पूरा एरिया है। इसके अलावा इधर पूरा राष्ट्रकूटों का एरिया है एंड दिस साइड ईस्टर्न साइड इट इज द रूल ऑफ पाल्स इन द एरिया ऑफ बंगाल। ये है कन्नौज। ये जो कन्नौज आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि तीनों ही वंश इस पे अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं, ओवरलैप कर रहा है ये एरिया। तो तीनों ही वंश अपनी अथॉरिटी यहाँ पर दिखा रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार भी इसको अपना बनाना चाहते हैं, पाल भी और राष्ट्रकूट भी। और जब ये लगातार संघर्ष चलता रहा, ये तभी का मैप है कि ये तीनों ही वंश अपना वहां पे आधिपत्य बताते थे। राष्ट्रकूटों का एरिया आप देखेंगे मोर और लेस वही है जो सातवाहनों का था और फिर उसके बाद वाकाटक जो आए उन्होंने भी इसी एरिया पे रूल किया और फिर राष्ट्रकूट इस एरिया को रूल कर रहे हैं। ये जो एरिया है जहां पे राष्ट्रकूट रूल कर रहे हैं, इस एरिया में जो भी डायनेस्टी, जो भी राजा शासन करता था वो नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत की तरफ बढ़ना चाहता था। उसका कारण क्या था कि ऐसे तो इनका एम्पायर साउथ इंडिया में ही लिमिटेड रहता था, अगर उन्हें पूरा एक कंप्लीट बहुत ही बड़ा यूनिफाइड इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे अपना राज स्थापित करना है तो उसके लिए नॉर्थ इंडिया को हासिल करना जरूरी था। और नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है, ये गंगा यमुना दोआब वाला जो एरिया है, ये इतना फर्टाइल है, इतना मिनरल रिच है कि अगर किसी राजा को एक इंडिया में गुप्ता एम्पायर जैसा हम अगर कंपेयर करें साम्राज्य खड़ा करना है, क्योंकि गुप्ता एम्पायर को हमें गोल्डन पीरियड भी कहते हैं और गुप्त वंश का जो काल था वो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली यूनाइटेड भी था, स्ट्रांग रूलर्स थे उनके। तो अगर कोई वैसा साम्राज्य खड़ा करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि ये जो गंगा यमुना दोआब वाला एरिया है, इस एरिया पे उसका पूरा राज हो, दिस साइड। और ये एरिया अब देखिए आज की तारीख में तो द मोस्ट इनफर्टाइल एरिया प्रोबेबली इट इज, ये बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये बहुत ही ज्यादा इनफर्टाइल और अभी सूखाग्रस्त प्रदेश भी है,
उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं इस एरिया के अपने ही, लेकिन आप एंशियंट डेज में, मेडिवल डेज में देखिए, जिसने अगर इस एरिया पे सत्ता कायम कर ली तो समझिए वो पूरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर सकता है। तो इसीलिए ये संघर्ष हो रहा था। अब ये संघर्ष होता कैसे है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वत्स राज हैं, प्रतिहारों के राजा, उनकी एक नजर थी कन्नौज पर, वो कन्नौज को कैप्चर करना चाहते थे। और उधर से पाल जो है उनके राजा थे समकालीन धर्मपाल, वत्सराज और धर्मपाल एक दूसरे के समकालीन थे। ये दोनों ही कन्नौज पर अपना आधिपत्य हासिल करने के लिए बढ़ते हैं और इनके बीच युद्ध होता है जिसमें वत्सराज विजयी होते हैं। ये दो डायनेस्टीज थी मेजर नॉर्थ इंडिया में जिनके बीच में स्ट्रगल होता है। वत्सराज विजयी प्रूफ होते हैं और वत्सराज ये जीत जैसे ही हासिल करते हैं तब हम देखते हैं कि ध्रुव जो कि राष्ट्रकूट राजा है इनके समकालीन, ये वत्स राज के ऊपर अटैक कर देते हैं। राष्ट्रकूट अभी तक सीन में ही नहीं थे, प्रतिहार और पाल समझते थे कि हम दोनों ही एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं और संघर्ष हमारे बीच में ही है। अचानक से ये ध्रुव राष्ट्रकूटों के यहां से आते हैं और कन्नौज पर अटैक कर देते हैं। इस समय कन्नौज में वत्स राज जीत चुके हैं और वत्स राज कन्नौज पर रूल कर रहे हैं। जब ध्रुव अटैक करते हैं वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, वो इस एरिया को जीत जाते हैं और वत्सराज और ध्रुव के बीच में जो जंग होती है उसमें ध्रुव विजयी होते हैं। इन बिटवीन हम देखते हैं कि धर्मपाल ध्रुव को अटैक कर देते हैं। धर्मपाल सोच रहे हैं कि ये भाई कौन तीसरे व्यक्ति आ गए, लड़ाई तो हमारे और प्रतिहारों के बीच में थी। तो अब धर्मपाल जब ध्रुव को अटैक करते हैं तो ध्रुव धर्मपाल को भी हरा देते हैं। सबसे पहले संघर्ष होता है वत्सराज और धर्मपाल के बीच में जिसमें वत्सराज जो कि गुर्जर प्रतिहार है वो जीतते हैं। फिर तब तक ध्रुव आ जाते हैं और वो वत्सराज पर अटैक कर देते हैं, इसमें ध्रुव विजयी होते हैं। धर्मपाल ध्रुव पर अटैक करते हैं और इसमें भी ध्रुव धर्मपाल को हरा करके विजयी होते हैं। ध्रुव कन्नौज की सत्ता हासिल करके वापस कन्नौज जीतने के बाद वो अपनी किंगडम में जाते हैं। व्हेन ही इज रिटर्निंग बैक टू हिज ओन टेरिटरी, इन बिटवीन क्या हो रहा है, मौके का फायदा उठा के धर्मपाल कन्नौज पर अपना रूल एस्टैब्लिश करके डिक्लेयर करके, और यहाँ पे एक टाइटुलर हेड, एक चीफ अपॉइंट कर देते हैं जिनका नाम है चक्रयुद्ध। चक्रयुद्ध नामक एक राजा को, एक चीफ को धर्मपाल अपॉइंट कर देते हैं। अब ये चक्रयुद्ध यहाँ पे कन्नौज पे राज कर रहे हैं एंड तब तक वत्स राज के सक्सेसर आ जाते हैं प्रतिहारों में। वत्स राज वो सक्सीडेड बाय नागभट्ट सेकेंड। नागभट्ट सेकेंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं जब हम प्रतिहारों के बारे में पढ़ रहे थे। तो नागभट्ट द्वितीय वत्स राज की जगह आ जाते हैं, उनके सक्सेसर होते हैं। और नागभट्ट द्वितीय इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो चक्रयुद्ध को हरा करके, धर्मपाल से लड़के उनको हरा करके और कन्नौज पे सत्ता हासिल कर लेते हैं। तो अंतिम जो विजय होती है वो हम देखते हैं, ओवरऑल विक्ट्री वॉज ऑफ नागभट्ट सेकेंड ऑफ गुर्जर प्रतिहारास। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हम देख रहे हैं इसमें विजयी होते हैं गुर्जर प्रतिहारा। इतनी बात क्लियर है? लेकिन देखिए, गुर्जर प्रतिहार अब इधर कन्नौज की सत्ता हासिल करने में लगे हुए हैं, राष्ट्रकूट कन्नौज की सत्ता हासिल करने में लगे हुए हैं। तो इस बीच हम क्या देखते हैं, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाला एरिया है यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं बन पाती है, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग राजा का शासन नहीं हो पाता है। और चाणक्य ने कहा है, आचार्य चाणक्य ने यही कहा था अपनी अर्थशास्त्र में कि अगर आपको भारतीय महाद्वीप पे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे एक बड़ा सा एम्पायर एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए आपको नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आपको बाउंड्री पे ध्यान रखना होगा। इट मींस नॉर्थ वेस्टर्न साइड से कोई भी आक्रमण नहीं होने देना होगा, क्योंकि यही एक जगह थी जहां से भूमि जुड़ी हुई थी और आक्रमण होने की संभावना सबसे ज्यादा थी। बाकी जगह से तो मैंने आपको बताया था, यहाँ से हिमालय है तो यहाँ से कोई आकर के हमें अटैक करे इसके चांसेस कम है। एंड ये पूरा जो हमारा एरिया है ये पेनिनसुलर एरिया है, यहाँ से समुद्र होने के कारण बाहरी आक्रमण नहीं हो सकते।
जितने भी हमने इतिहास में आक्रमण पढ़े हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से होते हैं। गुर्जर प्रतिहारास फेल्ड टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू द पीपल कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। गुर्जर प्रतिहार नहीं अपोज कर पाए उनको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की तरफ से जो आक्रमण हो रहे थे। और अंततः हम देखते हैं कि 1018 एडी में महमूद ऑफ गजनी जो है इंडिया को कैप्चर कर लेते हैं और इंडिया में यहां से शुरू हो जाता है अरबों का राज। महमूद ऑफ गजनी कौन है? महमूद ऑफ गजनी जो है एबसाइड एम्पायर के हैं कि नहीं है, टर्क है कि नहीं है, इंडिया में कितनी बार अटैक करते हैं, ये सब डिटेल्स हमारे अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे द दिल्ली सल्तनत, द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एंड द दिल्ली सल्तनत। सो दिस इज इट फॉर टुडे। त्रिपक्षीय संघर्ष आपको आई गेस क्लियर है कि कौन से राजा आए, कैसे संघर्ष हुआ और कौन अंत में विजयी रहे। हिस्ट्री को स्टोरीज की तरह पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सो कीप स्टडीइंग, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।